सो फाइनली गाइस, बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करके पूछ रहे हैं भैया लकी व्हील इवेंट कब तक आने वाला है, एंड साथ ही साथ मेरे से ये भी कमेंट कर रहे हैं यार मिस्ट्री शॉप कब आएगा, प्लीज बताओ। सो डोंट वरी गाइस, आज की वीडियो में मैं यही सब आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा ईवो गन के, देन हम लोग उसके बाद बात करेंगे क्रिमिनल बंडल रिटर्न के बारे में। क्या बात है सर, क्रिमिनल बंडल कब तक रिटर्न आने वाला है, उसके बाद हम बात करेंगे गोल्डन सीट बंडल कब तक आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़? हाँ भाई लोग, मजा तो बहुत आने वाला है, क्योंकि साथ ही साथ आपको पोकर MP40 भी रिटर्न में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे यार। ऐसा हो सकता है भाई, क्योंकि यार मैं बता रहा हूँ ना भाई साहब, आपके भाई ने सेटिंग कर रखी है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा न्यू फिश की स्किन के बारे में, देन मैं बताऊंगा गाइस कि यहाँ पे कौन सा बंडल रिटर्न में आपको देखने को मिलेगा, ईवो बंडल। भाई साहब बहुत सारे तगड़े तगड़े बंडल है जो कि वापस आने वाले हैं। Congratulations and celebration. भाई मजे की तो बात है, लेकिन साथ ही साथ आप लोग ना डायमंड इकट्ठा के शुरू कर दो यार, क्योंकि ना यहाँ पे व्हाइट जर्सी और ब्लैक जर्सी भी रिटर्न में देखने को मिलेगी। और भाई साहब इतने सारे इवेंट आने वाले हैं कि आपके डायमंड खत्म हो जाएंगे गाइस। तुम्हें कैसे पता चला? हाँ गाइज सच्ची बता रहा हूँ, डायमंड खत्म हो जाएंगे लेकिन आपके इवेंट्स खत्म नहीं होंगे। तो गाइज अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो ना, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज। और आज का लाइक टारगेट बस 2000 का है। भाई ने बोला करने का तो करने का। सही बात। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे निकल के आए हुए सबसे बेस्ट इवेंट के बारे में, जो कि है गाइज आर्टिक ब्लू बंडल एंड यार उसके साथ साथ वाले बंडल्स। ठीक है, अभी गाइज यहाँ पे 6 बंडल आने वाले हैं जो कि 3 मेल और 3 फीमेल के होने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा तगड़े लगते हैं, एकदम ऑसम लेवल के बंडल्स है गाइज। मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आते हैं लिटरली गाइज। यहाँ पे ये बंडल्स आप लोगों को 15 जुलाई से पहले पहले देखने को मिलने वाले हैं गाइज। और भाई ये मत कोई बोलना यार जुलाई तो बहुत देर में आने वाला है, भाई बहुत जल्द आ जाएगा। साथ ही साथ बात करेंगे एडवांस सर्वर में आए हुए कुछ अपडेट्स के बारे में, तो भाई आप लोगों को कुछ नई चीजें ऐड होने वाली हैं जो कि मैं आप लोग को बता देता हूं। तो भाई यहां पे आप लोगों को वॉइस कमांड में देखने को मिल जाएगा। बे नुबड़े, अरे भाई 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 मैटर हो गया भाई, मैं तो नहीं सह सकता, मेरे को तो सबसे अच्छा ये नुबड़े ही लगा है भाई। अभी आप लोग को क्या लगा है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड यार मैं तो अपने फ्रेंड को नुबड़े तो बोलता रहता हूं, तो आप लोग क्या बोलते हो गाइस? भाई मुंह की बात छील ले। मेरे को तो यही लगता है गाइस कि आप लोग भी जरूर बोलते होगे, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो गाइस कि आप लोग क्या बोलते हो। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं गाइस कि अगला जो 7 एनिवर्सरी का इवेंट होने वाला है वो मल्टीवर्स पे बेस होने वाला है। AI फीचर्स के आप लोगों को बंडल्स देखने को मिलेंगे, सारी चीजें AI रिलेटेड होंगी और बहुत से भी ज्यादा रियलिस्टिक देखने को मिलेंगी। यहां पे आप लोगों को मैं कुछ बंडल्स दिखा रहा हूं गाइस जो कि यहां पे मल्टीवर्स को प्रेजेंट करते हुए दिख रही हैं गाइस। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को 7 बंडल्स दिखाना चाहूंगा जिसमें से आप लोगों को एक या फिर दो बंडल फ्री में दे दिया जाएगा, और भाई मैं तो बहुत से भी ज्यादा एक्साइटेड। चलो गाइस इसके साथ हम लोग आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं गाइस आने वाले 7 एनिवर्सरी में एक खतरनाक चीज के बारे में, जो कि होने वाला है ग्लाइडर। अभी बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या भैया ग्लाइडर सच में आने वाला है, तो भैया मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि हां, जिसमें आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूं गाइस कि यहां पे ग्लाइडर आने की पूरी पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है, जो कि फ्री फायर के तरफ से ही आया है। और गाइस अभी आगे चलते हैं, बात करते हैं गाइस आने वाले पर्पल सीट बंडल के बारे में, जो कि आपको मिशन शॉप के अंदर देखने को मिल सकता है या फिर टोकन टावर के अंदर भी देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत से भी ज्यादा ऑसम लग रहे हैं और भाई मेरे को तो काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं। और इसके बाल भाई साहब मतलब क्या ही बोलूं यार, मेरे को बहुत से भी ज्यादा लगता है यार, एकदम ऑसम वाला। और लिटरली बता रहा हूं गाइस इसके बाल मेरे को सबसे ज्यादा बेस्ट लगते हैं पूरे के पूरे बंडल में, इसके बाल मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अभी भाई साहब इस बंडल्स को आप लोग देख ही सकते हो, काफी ज्यादा यूनिक और भाई साहब कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा तगड़ा है। एंड लिटरली भाई ये आप लोगों को बहुत जल्द रिटर्न में देखने को मिल जाएगा, और कब देखने को मिलेगा तो 7 एनिवर्सरी के टाइम आपको रिटर्न में देखने को मिलने वाला है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, बात करते हैं गाइस आने वाले यहां पे फिश की स्किन के बारे में, जो कि काफी ज्यादा तगड़ा है। और ये आप लोगों को रिटर्न में नहीं, ये आपका नया फिश की स्किन है जो कि आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। और यार ये वाला फिश की स्किन आप लोगों को बहुत तगड़ा लग रहा है, भाई मेरे को तो तगड़ा लग रहा है यार। अभी आप लोग भी बताओ गाइस कि आप लोगों को क्या लग रहा है। यहाँ पे ड्रैगन का थीम यहाँ पे रखा गया है गाइस, ड्रैगन फीस्ट इसका नाम हो सकता है, और एक नहीं दो दो फीस्ट की स्किन आप लोग को देखने को मिल सकती है। भाई लोग मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ गाइस, ताकि आपके कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं गाइस ईवो बंडल से रिलेटेड, क्योंकि यार बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि भैया क्या कोबरा बंडल हम लोग को रिटर्न में देखने को मिल सकता है। तो भैया मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे 7 एनिवर्सरी के टाइम आप लोगों को ये चीजें देखने को मिल सकती है, जो कि रिटर्न
टर्न में आ सकती है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है इससे रिलेटेड। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं गाइज आने वाले ईवो कोबरा बंडल के बारे में। तो भैया कोबरा बंडल आप लोगों को बहुत जल्द रिटर्न को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यार कोबरा बंडल से ना इतने सारी हाइप जुड़ी हुई है, क्योंकि फर्स्ट बंडल यही था गाइज जिसमें यहाँ पे कलर चेंजेस वगैरह देखने को मिलते थे। एंड यार बहुत सारे लोग चाहते हैं गाइज कि पहला बंडल हमारे पास हो। एंड साथ ही साथ आप लोगों को रैम्पेज के बंडल्स याद ही होंगे गाइज, वो भी आप लोग को रिटर्न में देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको ओरियन कैरेक्टर के साथ एक बंडल आया था, जब हमारा ये ओरियन कैरेक्टर आया था उसी टाइम आप लोगों को एक बंडल देखने को मिला था जो कि गाइज यहाँ पे ईवो बंडल था, जो कि आप लोगों को काफी जल्दी देखने को मिलने वाले हैं, जो मेरे ख्याल से तो काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है। अभी आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है गाइस कि आप लोगों को ये बंडल्स कैसे लगे हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं गाइस आने वाले एक और न्यू इवेंट के बारे में, जिसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा गाइस, बहुत सारे M10 की स्किन। अभी आप लोग कंफ्यूजन में हो गए, भैया कौन सा M10 आएगा यार, ईवो वाला वापस आ रहा है क्या? तो भैया मैं आपको बताना चाहूंगा M10 की स्किन जो आने वाली है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी गाइस। यहां पे आप लोग देख सकते इनक्यूबेटर वाली, अभी आपको पता ही होगा गाइस कि ये वाली गन स्किन्स काफी ज्यादा यूनिक्स थी, क्योंकि यार बहुत पहले और रेयर आइटम्स में से एक है गाइस जो कि आप लोग को रिटर्न में देखने को मिल जाएगी, और मेरे ख्याल से तो काफी अच्छी बात है। यूएमपी के साथ आप लोगों को एक न्यू गन स्किन देखने को मिलेगी एकदम ऑसम वाली, जो कि आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यार आने वाले कोबरा MP40 के रिटर्न के बारे में। यार कोबरा MP40 के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, क्या भैया कोबरा MP40 रिटर्न में आएगी? अभी भाई मैं गेम भी खेल रहा था, लाइव भी कर रहा था, उस टाइम भी भाई साहब कोबरा MP40 और गाइस यहां पे फ्लैश MP40 के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा गाइस कि फ्लैश MP40 एंड कोबरा MP40 दोनों वापस आने के चांसेस हैं। मैं आप लोग को कंफर्म डेट भी बता देता हूं गाइस, आज तुम डेट नोट भी करके रख सकते हो, आज 2 जून है गाइस, तो आप लोगों को यह कब देखने को मिलेगा, यह 12 से 15 तारीख को देखने को मिल सकता है आप लोगों को इन गेम के अंदर। एंड यार इसमें आप लोगों को और भी चीजें ऐड होते हुए दिख जाएंगी, हो सकता है यार और भी यहां पे अपडेट्स के साथ साथ और भी चीजें यहां पे ऐड हो जाए। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं गाइस आने वाले क्रिमिनल बंडल के बारे में। एंड यार बहुत सारे लोगों मुझसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि हां भैया क्रिमिनल बंडल भी आप लोगों को बहुत जल्द रिटर्न में देखने को मिल सकता है। एंड यार इस क्रिमिनल बंडल की अगर मैं सच्ची सच्ची बात करूं तो काफी ज्यादा ऑसम लगे हैं। एंड यार चारों क्रिमिनल तो रिटर्न आएंगे, लेकिन हो सकता है गाइस आप लोगों को ग्रीन क्रिमिनल भी रिटर्न में देखने को मिल सकता है। ग्रीन क्रिमिनल के बहुत कम चांसेस है, बट यार हाँ हो सकता है ऐसा कि आ जाए, लेकिन यार चांसेस थोड़े कम है तो मैं आप लोगों को कंफर्म नहीं बता रहा हूं। लेकिन भाई लोग चांसेस थोड़े कम है तो क्या हुआ, लेकिन आ तो सकता है, हम लोग प्रेडिक्शन तो कर ही सकते हैं। तो यार सभी लोग ना डायमंड बचा के रखे रहो यार, क्योंकि यार आप लोगों के लिए बहुत तगड़े इवेंट्स आने वाले हैं। इसके साथ हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं थोड़ी सी यार मिश्री शॉप के बारे में। तो क्या मिश्री शॉप आने वाला है? तो भैया देखो यार मिश्री शॉप या लक रॉयल के बारे में अगर मैं कंफर्म डिटेल दूं तो यार थोड़े से कम चांसेस है यार मिश्री शॉप और लक रॉयल के, लेकिन यार इन फ्यूचर जैसे ही कोई अपडेट निकल के आएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं स्पेशल लक रॉयल के बारे में। तो यार आपको बताना चाहूंगा स्पेशल लक रॉयल आप लोगों को कब देखने को मिलेगा, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है गाइस स्पेशल लक रॉयल। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा गाइस कि 7 एनिवर्सरी का टाइम जो है गाइस वो कभी भी गरीना चेंजेस कर सकता है, क्योंकि यार आपको पता है पहले भी प्रीवियस टाइम में यहां पे गरीना फ्री फायर ने हमारे जो 7 एनिवर्सरी है गाइस उसको यहां पे टाइम को पोस्टपोन किया गया है, आगे पीछे किया गया है, तो हो सकता है गाइस इस बार भी कर दिया जाए। तो इसके लिए मैं कंफर्मेशन डेट आपको नहीं दे रहा हूं, क्योंकि यार देखो अगर चेंज हो जाएगा डेट भाई तो हो सकता है आप लोगों को 2 तारीख को आने वाला चीज 5 तारीख को आए और उसके बाद आप लोग भाई बुरा ही मान जाओगे, ठीक है? तो इसलिए मैं आप लोगों को कंफर्म डेट नहीं बताता हूं, ठीक है? आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं गाइस एंजेलिक पैंट के बारे में। एंड यार साथ ही साथ एंजेलिक के आइटम्स के बारे में, तो आप लोगों को बहुत जल्द ये रिटर्न में देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ आगे चलते हैं, बात करते हैं गाइस आने वाले यहां पे ब्लैक जर्सी एंड व्हाइट जर्सी के बारे में। तो यार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने सोचा यार भाई लोग के साथ शेयर ही कर ही देते हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा गाइस कि ब्लैक जर्सी एंड व्हाइट जर्सी आप लोगों को नेक्स्ट वीक ही देखने को मिलने वाला है, तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, ये एकदम नजदीक हो चुका है भैया आने वाला है। साथ साथ हम बात कर लेते हैं यार मैजिक क्यूब से रिलेटेड, क्योंकि यार बहुत सारे लोग यहां पे मैजिक क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आंसर जानने के लिए आए थे। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा गाइस कि मैजिक क्यूब का आपको बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिलने ही वाला है। एंड साथ ही साथ आप लोगों को मैजिक क्यूब के बंडल्स भी देखने को मिलने वाले हैं। एंड यार कौन कौन से बंडल होने वाले हैं वो आप लोगों को गाइस यहां पे मैं एक छोटा सा लाइक एम देने वाला हूं। एंड यार आप लोग गेस करके बता सकते हो, मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा गाइस कि हां भैया कौन कौन से बंडल्स आने वाले हैं, और आप लोग गेस करके मुझे आज की कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन से बंडल आप लोग चाहते हो। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, लव यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने पूरी कंफर्मेशन के साथ आप लोगों को
हर एक चीज डिटेल दे दी है। अगर आपके कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन रह जाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड यार कमेंट करके जाना, लव यू गाइस।